दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक खिलाड़ी के करियर पर द एंड यानी पूर्ण विराम कब लगता है, तो आप में से कोई कहेगा कि बढ़ती उम्र, खराब फिटनेस, कोई ऐसी इंजरी जो खिलाड़ी की दुश्मन बन जाए, स्पॉट फिक्सिंग या फिर कोई बेहद ही बुरी कंट्रोवर्सी। पर क्या कोई क्रिकेटर ऐसा भी हो सकता है जिसका करियर एक ट्रिपल सेंचुरी की वजह से खत्म हो जाए? तो आप विश्वास करने से इनकार कर देंगे। सुनने में चाहे अविश्वसनीय लगे, लेकिन ये सत्य है। तिहरा शतक कोई मजाक नहीं है। जहां एक शतक बनाने में खिलाड़ी का तेल निकल जाता है, आजकल दोहरे शतक तक कोई पहुंच नहीं पाता है। लेकिन जो खिलाड़ी तिहरा शतक लगा दे, वो तो मौके डिजर्व करता ही। जरा सोचिए कितना बदनसीब होगा वो खिलाड़ी जो एक महान पारी खेलकर भी सबकी नजरों से अचानक उछल हो जाए। एक बड़ा तिहरा शतक लगाने के बावजूद पूरी दुनिया द्वारा इस नायाब हीरे को भुला दिया जाए। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि करुण नायर है। किसी समय भारत का उभरता सितारा जो आज कहीं गुमनाम सा हो गया है। आज हम अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट के इस नए एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे ये शानदार खिलाड़ी अर्श से फर्श पर गए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तारीख थी 16 दिसंबर 2016, जब भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट चेन्नई की रैन टर्नर पिच पर खेला जा रहा था। अपनी पीक पर चल रहे भारतीय उप कप्तान अजिंक्य रहाणे चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए थे। उनकी रिप्लेसमेंट करुण को खिलाया जा रहा था। इंग्लैंड के विशाल 477 रन के जवाब में भारतीय पारी 211 पर 3 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी। तभी क्रीज पर आया कर्नाटक का 25 साल का एक युवा। भारतीय पारी का आगाज कर रहे केएल 199 पर दुर्भाग्यवश आउट हो गए। करुण नायर अपना तीसरा मुकाबला खेल रहे थे। पहले दो मुकाबलों में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और यह मैच उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था क्योंकि वे रहाणे की जगह खेल रहे थे। अभी उनके टीम में होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही किसी को कोई उम्मीद थी। कहते हैं जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ऐसा ही कुछ कमाल होने वाला था यहाँ। जब स्टंप्स हुई तो करुण 71 रन पर नाबाद लौटे। अगले दिन 19 दिसंबर को जो होने वाला था उसकी किसी को तो क्या खुद करुण को भी उम्मीद नहीं थी। एक ही दिन में उन्होंने 100, 200 और फिर 300 रन पूरे किए। एक ही दिन में ये कारनामा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने। वहीं तिहरा शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग के बाद वो दूसरे भारतीय बने। एक ही दिन में 232 रन जड़ डाले। उन्होंने कोहराम मचा दिया। आपको बता दें कि ये उनके करियर का पहला शतक था और अपने पहले ही शतक को बतौर 300 जड़ने वाले विश्व के महज तीसरे खिलाड़ी बने। और ये पारी आई भी तो इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। 303 रन की उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय मैच एक पारी के अंतर से जीता। जिस करुण नायर को कोई जानता तक नहीं था उसे पूरी दुनिया पहचानने लगी थी। हम सभी फैंस की जुबान पर और अखबारों में उन्हीं का नाम था। क्रिकेट पंडितों ने तो ये तक कह दिया कि जो भी शॉट इस खिलाड़ी के बल्ले से निकला वो मेडल था और कोई मिस टाइम शॉट नहीं था। बाद में करुण ने बताया कि दो मैच में उनके फीके प्रदर्शन के बाद इस मैच में उन्हें कुछ कर गुजरना था और विकेट के पीछे से जॉनी बैरिस्टो उन्हें बार बार ये कहते दिखे कि रोहित आ चुके हैं, रहाणे भी आने वाले हैं, ये आखिरी मौका है। लेकिन इन सबका क्या फायदा हुआ? जैसे ही रहाणे टीम में आए अगले मैच में करुण को बाहर कर दिया गया। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये क्रिकेटर्स भी इंसानी है, कोई मशीन नहीं जिन्हें जब चाहे ऑन ऑफ कर दिया जाए। करुण जिस रेड हॉट फॉर्म में थे उन्हें किसी भी कीमत पर खिलाना बनता था। ऐसे खिलाड़ी को टीम से बाहर किया ही नहीं जा सकता था जिसकी देश के पीएम ने भी खूब तारीफ की हो। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ खिलाड़ी का करियर बर्बाद करने के मौके ढूंढे जाते हैं। पूरे देश को उम्मीदें जगा चुके नायर को 2017 में बांग्लादेश दौरे की टीम में तो चुना गया लेकिन खिलाया नहीं गया और ना ही पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के टेस्ट में। अब क्योंकि रहाणे वापस आ गए और उस समय भारत के टॉप खिलाड़ी थे जिनका भौकाल सेना देशों में तो खूब था, तो करुण की टीम में जगह नहीं बनी। 333 रन से पहले टेस्ट में करारी शिकस्त झेलने के बाद आखिरकार दूसरे और तीसरे टेस्ट में उन्हें मौका मिला जहां उनका असली टेस्ट था। क्योंकि बड़ा प्लेयर वो नहीं जो एक मैच में चलकर उम्मीदें जगाए, बड़ा प्लेयर वो जो जरूरत पड़ने पर कमाल कर दिखाए। नायर 4 पारियों में फ्लॉप रहे और सस्ते में ही आउट हो गए। यहाँ गलती पूरी तरह से उनकी भी नहीं थी। भाई जब सामने 154 की गति से आक्सी यॉर्कर दाग रहे स्टार्क हो तो दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज भी लड़खड़ा जाता है। उस वक्त टीम में कंपटीशन काफी हाई था तो ये 4 पारियां उनके करियर की अंतिम पारियां बनकर रह गईं। इसके बाद उन्हें उनके फॉर्म टैलेंट को केवल बर्बाद किया गया। अगले एक साल तक वो टीम में रहे, इंग्लैंड दौरे पर भी ले जाए गए, लेकिन हद तो तब हो गई जब इंजरी रिप्लेसमेंट में हनुमा बिहारी को मौका दे दिया गया। ये वही दौर था जब टीम इंडिया में फेवरेटिज्म चल रहा था और कोच और बाकी स्टाफ ने यह तक कह डाला था कि नेट्स में उनकी बैटिंग में कुछ खास मजा नहीं आ रहा है और देखते ही देखते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इस दौरान सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक यह था कि उनसे किसी सिलेक्टर, टीम मेंबर या कप्तान कोच ने बात तक नहीं की, ना ही उन्हें आगे की स्कीम में रखा गया। एक साल पहले जो खिलाड़ी सुपरस्टार था आज भूला बिसरा सितारा बन चुका है। अब लगभग हर फैन की जुबान से उनका नाम कहीं ओझल सा हो गया है क्योंकि जब ये सब हुआ उस वक्त कितने लोगों को ये भी नहीं पता था कि स्क्वाड में है भी या नहीं। हालांकि उन्हें इंडिया टीम की कप्तानी दी गई लेकिन टीम की इंटरनल पॉलिटिक्स ने उन्हें बुरी तरह से हिला कर रख दिया जिससे करुण के कॉन्फिडेंस को बेहद ठेस लगी और यहाँ से उनका ग्राफ केवल नीचे की ओर गया।
जरा खुद सोचिए, जो खिलाड़ी 300 रन बनाकर भी टीम से बाहर हो जाए उसके पास मोटिवेशन का जरिया बचेगा ही क्या? इससे ज्यादा वो करे क्या? ये सब उनकी गेम को ले डूबा। जहाँ 2019 रणजी में उनकी औसत 24 की रही, वहीं अगले साल 26 के एवरेज से ही रन बना पाए। देखते ही देखते आईपीएल में भी वो कहीं गुम से हो गए। हालात बस से बदतर उस वक्त हो गए जब उन्हें कर्नाटक की 2023 की रणजी टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। व्हाइट बॉल फॉर्मेट से तो पहले ही उन्हें बाहर किया जा चुका था। इन सबसे अपनी निराशा बयां करता उनका एक इमोशनल ट्वीट कुछ दिनों पहले खूब वायरल हुआ। करुण ने अपने करियर में अभी तक 6 टेस्ट और 2 ओडीआई मैच खेले हैं, जहां उनके बल्ले से कुल 420 रन आए। इसके अलावा 76 फर्स्ट क्लास मैच में 50 की भारी भरकम औसत से उन्होंने 5436 रन बनाए। उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2016 में किया था। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में और इस खिलाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, ये खिलाड़ी अब दोबारा कभी टीम इंडिया में जगह बना पाएगा? आप कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।